हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपका फिर से राजस्थान जी के ट्रेनिंग पर स्वागत है। विद्यार्थी, आपको पता होगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल राजस्थान जी की ट्रेनिंग पर BSTC और PTT की जो सभी क्लासें हैं वो निःशुल्क हैं। आपके आस पड़ोस में कोई BSTC या PTT की जो तैयारी कर रहा है उसको आप इसको शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें। आप यदि BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की ये जो क्लास होने वाली है। मैं अनीश मेवाल, जो कि आपको शिक्षण अभिरुचि का अध्ययन करवाता हूँ। मैं अभी जो इस शिक्षण अभिरुचि की थ्योरी है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसके बाद में जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम के अंदर, वो क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट निकालेंगे। हमारा पाँचवा टॉपिक जो पिछली क्लास से स्टार्ट हो गया था, व्यावसायिक प्रतिबद्धता। क्या है व्यावसायिक प्रतिबद्धता? प्रोफेशनल कमिटमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट। हमने पिछली क्लास में व्यावसायिक प्रतिबद्धता की बात की थी कि व्यावसायिक प्रतिबद्धता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, एक शिक्षक के लिए उसका व्यावसायिक क्षेत्र कौन सा है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। आज हम जो है शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक होने के लिए किन किन पक्षों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन पक्षों में उसे कुशलता प्राप्त होनी चाहिए, वो सक्षम किन किन पक्षों में होना चाहिए, उनकी बात करेंगे हम। तो जैसे कि आपको दिख रहा है हमारा टॉपिक क्या है कि शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक होने के लिए निम्न पक्षों में कुशल होना चाहिए। यानी कि जो नीचे दिए गए जो पक्ष हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और नैतिक और अन्य पक्ष, तो इनमें क्या होना चाहिए, उसे कुशलता प्राप्त होनी चाहिए, उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब जाके एक शिक्षक अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है और अपना जो शिक्षण व्यवसाय है उसको एक शिखर की ओर ले जा सकता है। और एक शिक्षक है जो शिक्षण व्यवसाय के जरिए अपना जीवन सफल कर पाता है, वो अच्छे से बच्चों को नैतिकता का ज्ञान देता है और उसकी जो योग्यताएं हैं उनको परखता है कि एक बच्चे में क्या किस प्रकार की योग्यताएं हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उसको उसी प्रकार का शिक्षण ग्रहण करवाता है। उसके बदले में उसे धन अर्जित होता है, उसका व्यवसाय चलता है, एक शिक्षण व्यवसाय उसका कंप्लीट होता है उसमें। तो हम आज बात करेंगे कि किन किन पक्षों में शिक्षक को मजबूत होना चाहिए। पहला है शारीरिक, फिजिकली मजबूत होगा तभी, वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो उसी प्रकार से शारीरिक जो उसकी स्थिति हो, फिजिकली स्थिति हो, उसकी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। फिजिकली स्थिति उसकी सबसे पहले क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारा दूसरा जो पक्ष है वो क्या है, दूसरा पक्ष है मानसिक मेंटल एबिलिटी, उसकी अच्छी होनी चाहिए, जो मानसिक योग्यता है उसकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में तीसरा है नैतिक, तीसरा क्या है नैतिक, यानी कि मॉरल, जो हमारे जो नैतिक मूल्य होते हैं उनका अच्छी समझ होनी चाहिए, उनमें नैतिकता के गुण पाए जाने चाहिए एक शिक्षक के अंदर। तो उनमें नैतिकता के गुणों में किस किस पक्ष में अच्छा मजबूत, क्या क्या उसे ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। और अन्य में हम बात करेंगे कि एक शिक्षक किस प्रकार का समाज में बर्ताव करे, वो किस प्रकार का एक कुशल नेता हो, और भी अन्य पक्षों की हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले हम जो शारीरिक है, जो फिजिकली उसकी एबिलिटी है उसके बारे में, योग्यता की जो बात करें तो उसकी जो शारीरिक एबिलिटी है तो उसकी बात करें हम, तो पहला है कि गुड हेल्थ, यानी कि सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, उसकी एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए उसका एक, वो कहते हैं ना कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही अधिकतर ज्ञान ग्रहण कर पाता है व्यक्ति। तो एक उसका स्वस्थ क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य उसका स्वस्थ होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए उसकी। दूसरा है ऊर्जावान होना चाहिए, वो अपने कार्य के प्रति लगातार कार्य करने के लिए सजग रहे, हमेशा किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर वो हमेशा हताश ना हो, थक कर ना बैठे, वो लगातार प्रयास करने वाला रहे। ऐसे नहीं कि कुछ काम किया उसके बाद में पछता रहा, थक गया, बैठ गया, अब आगे नहीं करूँगा मैं, ऐसे नहीं, उसको हमेशा ऊर्जावान रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। हाँ, मुझे अब नेक्स्ट क्लास लेनी है, बच्चों को ये समझाना है, तो हर चीज़ को वो सजगतापूर्वक ध्यान रखते हुए वो क्या करें, अध्ययन करवाए बालकों को, तो उसमें ऊर्जावान का गुण होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरी बात है फिजिकली, जो शारीरिक रूप से हम बात करें कि जो उसकी वेशभूषा, एक शिक्षक है उसका प्रभाव एक बालक पर बहुत अधिक पड़ता है। जो एक शिक्षक होगा उसकी वेशभूषा की बात करें हम, तो उसकी वेशभूषा का प्रभाव बालकों पर भी बहुत अधिक पड़ता है। वो किस प्रकार से विद्यालय में आ रहा है, किस प्रकार से वो विद्यालय में प्रस्तुतिकरण कर रहा है, यानी कि वो किस प्रकार से प्रस्तुत हो रहा है, बालकों के सामने कैसे फेस कर रहा है, वो किस प्रकार से उसकी जो वेशभूषा होती है। एक तो शिक्षक की हम बात करें तो एक शिक्षक के लिए फॉर्मल जो ड्रेस होती है वो बहुत ही
बढ़िया होती है, बहुत बेहतर मानी गई कि जो एक शिक्षक को किस प्रकार की ड्रेस वेशभूषा में रहना चाहिए, फॉर्मल उसे ड्रेस पहनना चाहिए, जिस प्रकार से आज के जो युवा तड़क बड़क में रहते हैं, जींस पैंट ये सब एक शिक्षक को क्या नहीं करते, अलाउ नहीं किया जाता, एक शिक्षक को इस प्रकार की वेशभूषा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट जो प्रभाव होता है वो विद्यार्थियों के ऊपर पड़ता है। जो एक शिक्षक का प्रभाव क्या होता है, डायरेक्ट विद्यार्थियों पर पड़ता है। जिस प्रकार के शिक्षक रहेंगे उसी प्रकार से क्या रहेंगे, विद्यार्थी भी उसी प्रकार का। विद्यार्थियों का क्या होता है कि जो शिक्षक को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, शिक्षक का अनुसरण करते हैं। शिक्षक में ये गुण भी होता है कि उसके जो विद्यार्थी हैं उसे क्या करें, फॉलो करें, उसे अनुसरण करें। ये एक शिक्षक का बहुत बढ़िया गुण होता है और इस गुण का पालन हर विद्यार्थी लगभग लगभग करता है। अब उसके बाद में बात करें वेशभूषा के बारे में कि उसकी वेशभूषा किस प्रकार की होनी चाहिए। मैंने बताया कि आपको वेशभूषा उसकी फॉर्मल होनी चाहिए, एकदम सिंपल होनी चाहिए। उसके बाद में चौथा जो है कि उसमें शारीरिक जो योग्यता होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो चौथा उसके हो गई आवाज़। एक शिक्षक की आवाज़ बहुत ही मधुर होनी चाहिए, वो किसी भी बालक को बोले तो ऐसे ना लगे कि हाँ मुझे ये डांट रहे हैं या फिर क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। हर एक शिक्षक की विद्यार्थियों के प्रति बहुत ही कोमल आवाज़ होनी चाहिए, वो मधुर शब्दों का प्रयोग करें। उसे छोटे बालकों को समझाने के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, जबकि जो उच्च क्लास के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, इनमें वो जिस प्रकार का स्कूल का वर्ग है उस प्रकार से उसको लैंग्वेज चूज करनी चाहिए समझाने के लिए। आवाज़ के द्वारा विद्यार्थी सबसे अधिक प्रभावित होता है। हमने भी कई बार महसूस किया है कि जैसे कोई भाषण दे रहे हैं किसी, हम सभा में गए तो क्या होता है कि अनेक अनेक नेता भाषण देते हैं, अनेक लोग भाषण देते हैं, तो हम कुछ एक लोगों से ही अट्रैक्टिव होते हैं, हर किसी व्यक्ति से या फिर हर किसी जो भाषण देता है उससे हम अट्रैक्टिव नहीं होते। हमें जिसके आवाज़ में मधुरता होती है, जिसके शब्दों में क्या होती है, अच्छाई होती है, शब्दों में जिसको शब्दों का ज्ञान अधिक होता है, अच्छे शब्दों का जो चयन करके बोलता है, तो वो जो अच्छा वक्ता होता है उसी की हम बात सुन पाते हैं। इस वजह से एक शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, उसके पास एक बहुत ही बेहतरीन आवाज़ होनी चाहिए। पांचवा है भाषा। भाषा की मैंने अभी बताया कि उसे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। छोटे विद्यार्थी हैं जैसे फर्स्ट कक्षा के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा स्टार्ट की है, उनके लिए बेटर होता है कि उनको मातृभाषा में समझाया जाए। बाद में जो हिंदी हो गई, संस्कृत माध्यम हो गए, इंग्लिश जो अंग्रेजी माध्यम हो गए, उनके बाद में चयन करना चाहिए। जिस प्रकार से बालक सीखना चाहता है उसको उसी प्रकार उसी लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो उस प्रकार से एक शिक्षक को भाषा का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को भाषा का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कई कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, जैसे कि तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई आदि प्रकार की। तो जैसे एक शिक्षक है और उसको मलयालम या तेलुगु नहीं आती, तो वो अपना जो अध्ययन करवाएगा, जो अपना जो शिक्षण करवाएगा वो अधिक बेटर नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसके पास जो बच्चे सीखेंगे जिस भाषा से बच्चे समझेंगे वो भाषा की पकड़ ही नहीं है, जो शिक्षक को उस भाषा का ज्ञान ही नहीं है, तो किस प्रकार से एक शिक्षक का जो शिक्षण करवा पाएगा। इस वजह से जो भाषा का ज्ञान होना एक शिक्षक को बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में हम छठा टॉपिक जो है इसकी हम बात करेंगे, प्रसन्न चित्त, यानी कि उसका चित्त जो मन है वो किस प्रकार का होना चाहिए। हमेशा प्रसन्न होना चाहिए, हमेशा वो क्या रहे, खुले मन से रहे, किसी भी प्रकार का वो बोझ अपने मन पर हावी ना होने दे। घरेलू जो समस्या है उनको विद्यालय परिसर से वो बाहर रखे और विद्यार्थियों के साथ उचित व्यवहार करे, तब जाके उसका जो शारीरिक जो फिजिकल जो पक्ष होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। जो उसकी जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो अच्छी होती है, मजबूत होती है, तब जाकर उसका ये पक्ष मजबूत होता है, शारीरिक पक्ष उसका मजबूत हो पाता है। इन सब चीज़ों को यदि उसमें गुण हैं तो जाकर ये शारीरिक जो पक्ष है वो बहुत ही मजबूत हो पाता है। उसके बाद में हम दूसरे की बात करें, मानसिक यानी कि मेंटल एबिलिटी की बात करें, तो इसमें क्या होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी यानी कि जो मानसिक है उसका संतुलन किस प्रकार का है, उसको विषय के बारे में किस प्रकार का ज्ञान है। यानी कि पहला जो है विषय वस्तु, यानी कि कोई शिक्षक है किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहा है तो उसको उस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको शिक्षण अभिरुचि के बारे में अध्ययन करवाया, शिक्षण अभिरुचि का मुझे एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, विषय वस्तु के बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर मैं क्या करवा पाता हूँ, शिक्षण करवा पाता हूँ। इसके बाद में जो दूसरा है क्या है, शिक्षण का मनोविज्ञान, जो शिक्षण यानी जो मैं शिक्षण का जो तरीका है मेरा उसमें क्या होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीका होना चाहिए, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुझे शिक्षण करवाना चाहिए बालकों को, विद्यार्थियों को मुझे क्या करवाना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से समझाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से मुझे समझाना चाहिए कि
एक विद्यार्थी को किस प्रकार से समझ आएगी। मनोवैज्ञानिक पक्ष की सहायता लेते हुए मुझे एक विद्यार्थी को समझाना पड़ेगा। इस वजह से एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक जो पक्ष है उसमें भी कुशल होना चाहिए। तीसरा जो है बालक की प्रकृति का ज्ञान। एक बालक है उसकी प्रकृति का उसे ज्ञान होना चाहिए कि बालक किस प्रकार से मेरी बातों को ग्रहण कर पाएगा, मेरी मैं जो बातें समझा रहा हूँ उनको किस प्रकार से वो ग्रहण करेगा, यानी कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो किसके माध्यम से सीखेगा। अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं व्यक्ति के अंतर्गत। तो इस वजह से एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि कौन सा बालक किस प्रकार से समझाने पर समझ में आएगा उसके जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसे बालक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। चौथा है देश और राज्य की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारा देश है राज्य है उसकी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। एक क्षेत्र में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें संस्कृति से सामना करना होता है कि उसकी संस्कृति किस प्रकार की है, उसके पहनाव किस प्रकार का, वेशभूषा किस प्रकार की है, किस भाषा में वो बात करते हैं। इन सभी की हम बात करें तो जिस क्षेत्र में शिक्षण करवा रहा है उस क्षेत्र की उसे संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर वो एक अच्छा सफल अधिगम करवा पाता है बच्चों को। उसके बाद में जो पांचवा टॉपिक रहेगा वो क्या है, समाज व व्यक्तिगत बुराइयाँ, यानी समाज में कौन कौन सी बुराइयाँ फैली हुई है, क्या क्या कुप्रथाएँ फैली हुई हैं, उन सभी की बुराइयों का पता होना चाहिए। किस बालक के या किस विद्यार्थी के जो माता पिताओं में कौन सी बुराई व्याप्त है, जैसे व्यक्तिगत बुराइयाँ यानी कि हर पर्सनल व्यक्ति की बुराइयों का भी पता होना चाहिए। एक विद्यार्थी की जो कमियाँ हैं उनका पता होना चाहिए एक शिक्षक को। उसके बाद में हम छठा जो टॉपिक है मानसिक एबिलिटी का, तो उसमें होना चाहिए आत्मविश्वासी। एक शिक्षक का आत्मविश्वासी होना बहुत ही आवश्यक है। यदि एक शिक्षक आत्मविश्वासी नहीं होगा तो वो बालकों के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। और यदि आत्मविश्वास की हम बात करें तो आत्मविश्वास हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तभी वो जाकर दूसरों के सामने अपनी बातों को रख पाता है, अन्यथा वो कुछ भी नहीं कर पाता, समाज में छुप के रहना पड़ता उसे। तो एक शिक्षक के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो इतने बच्चों का प्रस्तुतिकरण करता है, इतने बच्चों का वो क्या करता है, निर्देशन करता है, तो उस वजह से उसे शिक्षक को आत्मविश्वासी होना चाहिए। जो सातवां जो टॉपिक है हमारा शिक्षण की नवीन तकनीकों का ज्ञान। सातवां क्या टॉपिक होगा, नवीन शिक्षण की नवीन तकनीकों का ज्ञान। जैसे कि आधुनिक युग में आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाता है, जो डिजिटल बोर्ड होते हैं उनका भी उन्हें क्या होना चाहिए, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। जो हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए, स्मार्टफोन हो गए, उनका अधिकतर ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि ये तो हमारा क्या है कि श्यामपट है, पर जो आजकल जो डिजिटल बोर्ड आ गए उनका एक शिक्षक को ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षक होता है और वो अन्य किसी संस्था में जॉब करने के लिए जाता है, तो उसे वहाँ मान लो कि डिजिटल बोर्ड को फेस करना पड़ गया, तो वो किस प्रकार से पढ़ाएगा, वो पहले ही विद्यार्थियों के सामने क्या हो जाएगा, डिमोटिव हो जाएगा। तो इस वजह से उसे जो नई नई तकनीकी है, जो शिक्षण में सहायक जो नई नई तकनीकी है उनका ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार से जो इसका हमें यूज़ करना है, किस प्रकार से विद्यार्थियों को हमें समझाना चाहिए। जैसे कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कोई टॉपिक है उससे संबंधित चित्र दिखाकर विद्यार्थियों को समझाना चाहिए, जो अनेक जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको वीडियो के माध्यम से समझाना, आदि जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या करना चाहिए, नवीन जो तकनीकी है उसके माध्यम से एक विद्यार्थी को समझाना चाहिए। और आठवें जो इसकी हम पक्ष की बात करें, आठवां जो पक्ष है वो है व्यवहारिक। एक जो शिक्षक का जो व्यवहार है वो भी किस पर डिपेंड करता है, मानसिक यानी कि मेंटल एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। एक जो व्यवहार है वो किस प्रकार से शिक्षक बच्चों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, जैसे कि चुन्नू और मुन्नू का मैंने उदाहरण दिया था पिछली क्लास में, कि दोनों बच्चों के साथ उसका समान व्यवहार होना चाहिए, जो अपनी क्लास में अपनी विद्यालय में जो पढ़ता है उसके और जो अन्य संस्थान में पढ़ता है उसके दोनों बालकों के प्रति उसका क्या होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। एक शिक्षक में इन सभी गुणों का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए, तब जाकर एक शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक होने के लिए इन क्षेत्रों में कुशल हो पाता है।
विद्यार्थी, ये तो हमने बात कर ली शारीरिक और मानसिक जो पक्ष होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक जो योग्यताएं होती हैं उनके बारे में हमने बात कर ली कि एक शिक्षक में किस प्रकार की शारीरिक योग्यताएं होनी चाहिए, मानसिक योग्यताएं होनी चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नैतिक जो योग्यताएं होती है, नैतिकता का जो गुण होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, जो अन्य जो गुण होंगे वो किस प्रकार के होने चाहिए, अन्य जो पक्ष होते हैं उनमें किस प्रकार से कुशलता प्राप्त करनी चाहिए, इन सब की हम बात करेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको BSTC और PTT के लिए हमारे साथ जुड़े रहना अति आवश्यक है, क्योंकि हम आपको सभी जो क्लासें हैं वो निःशुल्क करवा रहे हैं। हमारा जो पूरा कोर्स है BSTC और PTT का, आपको YouTube चैनल पर हमारे जो अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर हमारे YouTube में देखें, YouTube चैनल में अच्छे से सर्च करें, आपको सबको जो हमारा जो सिलेबस है वो पूरा फ्री में मिलेगा। आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आपको आपकी पास वाली कॉलेज मिले BSTC और PTT के लिए। हम आपके साथ हैं सदा विद्यार्थियों, धन्यवाद।